बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कई सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावा यह था कि सभी 25 की 25 सीटें जीतेंगे। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं। झालावाड़ 12 से आश्वस्त भी थे और लगातार हर कोई ये कयास ही लगा रहा था कि दुष्यंत सिंह यहां से चुनाव जीतेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ है जैसा आंकलन था। झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह की जीत हुई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे राजस्थान में चुनावी मैदान में थे, जिसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे फिर से हार गए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने फिर से चुनाव जीत लिया है। ये दिलचस्प है इन दोनों बड़ी खबरों के बीच में। और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी राहत की खबर बीजेपी के लिए, जहां से पहले हमने बताया दुष्यंत सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं एक और बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए, सीपी जोशी ने भी जीत दर्ज कर ली। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। बिल्कुल, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन करीब करीब इनकी जीत तय है। सीपी जोशी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और यहाँ पर जो है मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। चित्तौड़गढ़ पर भी सबकी निगाहें थी, क्योंकि हॉट सीट चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और साथ ही साथ मौजूदा सांसद सीपी जोशी एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी ने जीत हासिल कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, सीपी जोशी जीत गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सीपी जोशी जीते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आ रही है। लगातार रुझान अब जिस तरीके से आ रहे हैं, वो रुझान अब नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं, और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। सीपी जोशी मार्जिन उनका काफी है और अब करीब करीब तय माना जा रहा है कि उनकी जीत है। आधिकारिक ऐलान होना बस बाकी रह गया है, सीपी जोशी की जीत हुई। हालांकि सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी कई डेंट झेल रही है, अगर यूं कहें कि काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और कांग्रेस दो बार से कोई भी सीट नहीं जीत रही थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अपना खाता खोल लिया है, जैसा कि कांग्रेस को उम्मीद थी। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी एक बार फिर से चुनाव जीत चुके हैं। आधिकारिक ऐलान होना उनकी जीत का बाकी है। और अब देखिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का ट्वीट, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और वचन ये कि प्याऊ पर पानी पिलाएंगे और कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ देंगे। ये एक संकेत है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना एक जन नेता के तौर पर इनकी पहचान है और खासतौर पर उस बेल्ट में बहुत प्रभावी लीडर माने जाते हैं, लेकिन एक ट्वीट करके फिर से इन्होंने अपनी बात को दोहरा दिया। और ये बड़ी बात है हेमंत, क्योंकि नतीजों से पहले ही किरोड़ी लाल मीना ने कह दिया था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई, और अगर 25 की 25 सीटें बीजेपी लेकर नहीं आती है तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और दोबारा से इस बात की उन्होंने पुष्टि कर दी है, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि बीजेपी सभी 25 सीटें लेकर नहीं आ रही है। और ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का ये ट्वीट कई मायनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रियंका, और वे जिस तरह की राजनीति करते हैं और जैसे नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपने आप को ये साबित कर दिया इस ट्वीट के माध्यम से। ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना का ये ट्वीट, जैसा उन्होंने कहा था दौसा में, जैसे कि हार पार्टी को झेलनी पड़ी, 7 सीटों का उन्होंने जिक्र किया था और 7 में से दौसा जैसे ही हारी। और उधर अगर पूर्वी राजस्थान की बाकी सीटों पर बात करें तो भरतपुर लोकसभा सीट जो है वो पार्टी को गंवानी पड़ी, साथ ही साथ करौली धौलपुर सीट पार्टी को गंवानी पड़ी। और आखिरकार अब किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ कर दिया कि वे अब मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा सबको कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और ऐसे ही नेता माने जाते हैं और जो ठान लेते हैं वही करने के उनकी एक राजनीतिक विशेषता रही है, उनकी पहचान रही है, वो पहचान यहाँ पर दिखाई दे रही है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आप मुझे सुन रहे हैं? लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी तो लगता है लक्ष्मीकांत जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन और इसी बीच ये बड़ी खबर है, बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने जीत हासिल कर दी है। हालांकि विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने उनको उतारा था, लेकिन मतदाताओं ने उनमें भरोसा नहीं जताया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने फिर से मौका दिया, बतौर सांसद रहते हुए लोकसभा
के चुनाव में भी और लोकसभा में भागीरथ चौधरी की जीत हासिल हुई है। अजमेर से यह सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, यह सबसे बड़ी खबर है, भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं। यह बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं अजमेर से। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जीत हो चुकी है। लगातार देखिए बीजेपी जो मिशन 25 लेकर के चल रही है वो तो अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे सीट जहां पर कांग्रेस को भी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात कांग्रेस की कर ले तो देखिए पिछले दो चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, इस बार कांग्रेस का खाता खुला है दौसा सीट की अगर हम बात कर ले। और अभी जो फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, भागीरथ चौधरी की जीत हो चुकी है अजमेर वो सीट, जो कि दिलचस्प मुकाबला यहां पर, और बीजेपी की तरफ से यहां पर जीत हासिल की गई है। और भी सीटों की हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात कर ले जिस हिसाब से बीजेपी अपने मिशन 25 को लेकर के चल रही थी, लगातार बात की जा रही थी कई और सीटें हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। बाड़मेर सीट की अगर हम बात कर ले, ये सब हॉट सीटें हैं जहां पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। और अभी अजमेर से भागीरथ चौधरी की जीत जो है वो बताई जा रही है इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और तमाम गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने आपको दौसा सीट की जो है वो जानकारी दी, दौसा सीट की अगर हम बात कर ले तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है। लगातार प्रचार प्रसार वो तेज करते हुए नजर आए, लेकिन वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अजमेर सीट की अगर हम बात कर ले तो यहां से देखिए बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जो जीत है वो हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है बीजेपी जो मिशन 25 टारगेट लेकर के चल रही है वो यहां पर अभी थोड़े ही समय में और रुझान भी सामने आएंगे, वो भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के भागीरथ चौधरी की जो जीत है वो हो चुकी है। आपके सामने और जो आज के मुकाबले की वीआईपी सीटें, आज के मुकाबले के जो वो वीआईपी चेहरे जिनके नतीजों का इंतजार, वैसे तो एक एक सीट का इंतजार, यानी 542 की 542 सीटों का इंतजार, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और सीटें जो कि रिजल्ट बता रही हैं, रुझान बता रही हैं, और ये नतीजे में भी अब धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे हैं। अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी जीत चुके हैं, अजमेर से ये एक बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने आया है, आज भागीरथ चौधरी जीत गए हैं। एक बार फिर से उन्हें सांसद बनने का मौका दिया है अजमेर की जनता ने। आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनाव भले ही हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और कहा यह जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी ने एक अच्छी जीत बीजेपी के लिहाज से, अपने लिहाज से हासिल की है, और वैभव गहलोत को उन्होंने मात देने में कामयाबी पाई है। कांग्रेस के वैभव गहलोत को उन्होंने हरा दिया है, पूरी तरह से वैभव गहलोत जुटे हुए थे जालोर सिरोही सीट पर, उनकी पत्नी लगातार प्रचार कर रही थी, और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रह रहकर लगातार वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। अन्नपूर्णा सिंह, आपको बता दें ये बीजेपी की प्रत्याशी झारखंड से हैं, उनको भी आपने देखा कि उनका क्या स्टेटस है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, हाँ, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, ये क्या होता हुआ दिख रहा है लगातार आपकी तरफ से? ये तो कहा गया कि हम सीटें जीतेंगे, यहाँ पर बीजेपी मिशन 25 तो लेकर के चल रही है, लेकिन वहां पर अजमेर सीट की बात कर ले तो यहाँ पर तो बीजेपी की जीत, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि 2014-2019 के चुनाव में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने 400 पार का प्रधानमंत्री ने झांसा लोगों को दिया, जिस तरह से बरगलाने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप से अपने जो प्रतिबद्धता थी उसको नकारते हुए उन्होंने धर्म समाज को बांटने काम जैसे काम किए, और जिस तरह से मुद्दों से हटकर उन लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया, जात बात मंगलसूत्र की बात करने लगे, आप मीट मांस मछली की बात करने लगे, आपने जिस तरह से मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया उससे लोगों का मन खराब हुआ।
अब की बार के मतदाताओं ने उनको जिस तरह से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया और अब की बार 400 पार इन ऐसे मुद्दों को लेकर के लोग 10 साल में उनको समझ चुके हैं, उनकी विश्वसनीयता, राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और जो भी आम तौर पर औसत मतदाता है जो इनके वादों के भरोसे 2014-2019 में ठगा गया, उन लोगों ने अपना मन बदला है और उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। आप समझ सकती हैं पूरे देश में 200 सीटों का जो मामला है वो वहां पर मोदी को नकारा गया है। मोदी ने जिन नए लोगों को दिया, जो उनके विश्वास थे उनको दिया, उनको लोगों ने नकार दिया, वो चुनाव हार गए। लेकिन जो लोग सक्रिय थे, समाज में उठते बैठते थे, मतदाता संपर्क रहते, वो चुनाव जीते हैं। लेकिन वो संख्या 400 नहीं बनाती है, इसलिए बहुमत के लाले पड़ गए हैं। अब सवाल यह कि अगर आप जीत का श्रेय 10 साल तक एंजॉय करते रहे तो अब आप हार का बिल्कुल जाहिर तौर पर यहां पर डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी अपने तरीके से अपनी बातों को रखते हुए, लेकिन ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए जो रिजल्ट लगातार अपडेट हो रहा है उसकी जानकारी यहां पर देते हुए, दौसा की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, मुरारी लाल मीणा ने यहां पर जीत दर्ज की है और कन्हैया लाल मीणा दौसा से बीजेपी के चुनाव हार गए। बिल्कुल दौसा सीट की अगर हम बात कर ले तो देखिए हॉट सीट बनी हुई थी लगातार। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहा गया था कि इस सीट का जो दारोमदार है वो उनके ऊपर है, लगातार वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुला है, मुरारी लाल मीणा यहाँ से जीते हैं, कन्हैया लाल मीणा जो है वो यहाँ से हार गए हैं। और इसके बाद से देखिए ट्वीट भी सामने आया किरोड़ी लाल मीणा का, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए जिस हिसाब से उनके तरफ से कहा गया। और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, इसी ट्वीट पर बात करते हैं। और ये प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब जो वचन दिया था कि एक भी सीट अगर जो सातों सीटों की जिम्मेदारी दी है अगर हार जाती है बीजेपी, और दौसा का ही उन्होंने नाम लिया था और वही बीजेपी हार गई है, तो आपको लग रहा है कि वचन नहीं जाएगा और जो वचन रखा था नतीजे आने से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने वो इस्तीफा देंगे, आपको लग रहा है ऐसा और उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा? देखिए किरोड़ी लाल मीणा अपनी राजनीति अपनी स्टाइल से करते हैं। जब से मंत्रिमंडल बना है वो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने जिस तरह से बात की और जिस तरह नेतृत्व ने उनको पार्टी में शामिल किया था तब उनको विश्वास दिया गया था कि उन्हें वरिष्ठता की स्थिति को देखते हुए उनका आकलन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल में उनको विभाग दिए गए जो कटे छटे हैं, संपूर्ण रूप से एक भी विभाग उनके पास नहीं है, दाढ़ी मूछ किसी को है और बाल किसी के पास है, इस तरह की व्यवस्था करके उनको राजनीतिक रूप से उनका उपहास किया गया है। इसलिए उनका मन तो पार्टी में काम करने का पहले से ही नहीं था। और आप देखिए इन चुनाव में जब प्रधानमंत्री दौसा आए थे तो किसी और ने नहीं कहा कि 7 जिलों की जिम्मेदारी उनको दी, उनकी खुद की घोषणा है कि मुझे प्रधानमंत्री ने 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं उन्हें जिताऊं। ठीक है, बिल्कुल आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ संजीव तन्नाथ जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। एक बार संजीव जी से भी हम एक कॉमेंट लेना चाहेंगे। संजीव जी अगर हम बात से इसलिए उनको चर्चा में बने रहने का शौक है, इसलिए ठीक है आपके पास लौटेंगे जवाब आपसे ले लेंगे। संजीव जी हमारे पास जुड़े हुए हैं, जरा उनसे हम बातचीत कर लेंगे। आवाज पहुंच रही है संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए यहाँ पर अब दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है और जो रुझान भी सामने आ रहे हैं कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो पिछले 2 चुनाव में खाता नहीं खुला, इस बार कांग्रेस का खाता खुला है। अभी क्या लगता है बीजेपी जो मिशन 25 लेकर के चल रही वो तो यहाँ पर अब सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी तक जो रुझान सामने आ रहा है आप क्या सोचते हैं अभी क्या हो सकता है आने वाले अभी थोड़े टाइम में जब रिजल्ट आएगा? देखिए जब पहले चरण और दूसरे चरण में जब राजस्थान के अंदर चुनाव थे 25 लोकसभा सीटों को लेकर के, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि उनको लग रहा था, क्योंकि जितने बड़े बड़े नेताओं ने जब 400 पार का नारा दिया और उनको लग रहा था कि वो 400 पार इजिली कर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रही। और भारतीय जनता पार्टी को जो ये सेटबैक लगा है उनके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर, बड़ी खबर आ रही है, जयप्रद गामी पर रोचक हो चुका है मुकाबला। जी हाँ, कांटे का मुकाबला हो गया, 12 लाख वोटों की गिनती हुई है पूरी जयपुर ग्रामीण सीट पर। राव राजेंद्र एक तरफ है और दूसरी तरफ सुनील चोपड़ा मुकाबले में है, बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल आगे चले, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 13,906 वोटों से राव राजेंद्र आगे चले, बहुत ही रोचक मुकाबला हो चुका है। ये देखिए 12 लाख वोटों की गिनती पूरी हुई है और 12 लाख वोटों की गिनती में महज फासला सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोटों का, 40,000 वोटों की काउंटिंग अभी बाकी है। कहीं भी ये ऊंट जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का किसी भी करवट बैठ सकता है, बिल्कुल मत झटिएगा, बिल्कुल कहीं मत जाएगा। यहीं पर एक एक सीट का विश्लेषण, एक एक सीट की जानकारी आपको मिलेगी और जयपुर ग्रामीण पर आपकी नजर है
तो इस नजर को बनाकर रखें। 40,000 वोट हैं और 40,000 वोटों की गिनती मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 15 मिनट के अंदर हो जाएंगी और उसके बाद इसका नतीजा पता चल जाएगा कि जयपुर की ग्रामीण की सीट से किसने बाजी मारी है। फिलहाल 13,000 वोटों से बीजेपी के राव राजेंद्र आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और जयपुर ग्रामीण की हम बात कर रहे हैं, लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं और हमारे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है। संजीव तन्नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अभी जो हम मुकाबला बता रहे हैं जयपुर ग्रामीण की, यहां से अगर हम बात कर ले तो देखिए अनिल चोपड़ा जो कि सुबह ही जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी पहुंचे थे वहां पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन यहां पर अब बीजेपी की तरफ से राव राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं और थोड़ी समय का इंतजार है जब नतीजे होंगे। आप क्या कहेंगे? अभी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की सीट है, वो हुआ करते थे सांसद, आप जानते होंगे। देखिए राजस्थान के अंदर हर सीट के ऊपर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को फाइट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, समाज के ऐसे तबके थे जिनको भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए था, चाहे वो जाट वोट हो, मीना वोट हो, क्योंकि जिस तरीके से देखिए किराड़ी लाल मीना जी जो है वो राजस्थान के सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, 6 बार से विधायक हैं और इस बार भी वो सवाई माधोपुर से विधायक बने, तो जिस तरीके से उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला तो उस तरीके से उनकी नाराजगी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो बीजेपी को जो सेटबैक लगा है वो और भी सीटों पर लगने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे 2014 के अंदर और 2019 के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर किसी भी तरीके से होते हुए नहीं दिख रहा और यहां पे नेक टू नेक फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिख रही है। और दौसा में अपने भाई का टिकट वो चाह रहे थे, दूसरी तरफ अगर बात करें जसकौर मीणा पूर्व सांसद की, वो अपनी बेटी का टिकट चाह रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं एक किराड़ी लाल मीना जी की नाराजगी तो है ही और उस वसुंधरा राजे जी की भी नाराजगी भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और वसुंधरा राजे जी को लग रहा था कि